और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। सीएम ने सबसे पहले संगम तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में पूजा अर्चना और गंगा आरती की। माघ मेले से पहले सीएम योगी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा भी की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने माघ मेले का लेकर मीडिया से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। माघ मेले में चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि 15 जनवरी को पहला स्नान होगा। चेकर प्लेट का हो, लगभग इसमें इसकी व्यवस्था भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ये बिछेंगी। यहाँ पे जलापूर्ति के लिए जो व्यवस्था की जा रही है लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन इस पूरे माघ मेला क्षेत्रफल में बसाने की व्यवस्था भी की गई है। 18,000 से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। ड्रेनेज पाइप भी यहां पे लगभग 63 से 65 किलोमीटर की बिछाने की कार्रवाई की जा रही है और 21,000 शौचालय, एक स्वच्छ और भव्य कुंभ के लिए शौचालय की अपनी व्यवस्था है। यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था भी माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए की जा रही है। और इस पूरे व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने स्नान घाट की व्यवस्था भी यहाँ पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से 8,000 फीट से अधिक के जो है घाट, स्पेशल घाट यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं मेले की दृष्टि से। गत वर्ष की तुलना में कल्पवासियों की संख्या बढ़ने की भी यहाँ पे संभावना है और उसी को ध्यान में रखकर के सारी तैयारियां की जा रही है।